बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एक ग्रेट सोलर के एक और ब्लॉग के साथ खुश आमदीद। आज के इस ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि हमने नाइट्रोक्स का 6 किलोवाट इन्वर्टर IP65 जो है वो इंस्टॉल किया है। इसमें हमने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं, क्या लोड इस वक्त चल रहा है और क्या जनरेशन आ रही है, क्या पैनल्स हैं, ये आज के ब्लॉग का हिस्सा होंगी ये सारी चीज़ें। तो इस ब्लॉग के साथ आप जुड़े रहें, आखिर तक देखिएगा। हम आपको पहले रिजल्ट दिखाते हैं कि क्या जनरेशन हो रही है, फिर पैनल का व्यू आपको आखिर में देंगे। तो आई होप कि ये प्रोजेक्ट भी आपको पसंद आएगा। कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। इस हवाले से कोई फीडबैक देना चाहते हैं तभी आप कमेंट्स में ज़रूर दे सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, ये हमारे इन्वर्टर का व्यू है जो कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। नाइट्रोक्स का इन्वर्टर है 6 किलोवाट का। तो इसको अभी हमने जो यहाँ पर सेटिंग की है वो आपको दिखाते हैं। ये हमें पूरा एक बड़ा DB बॉक्स दिया है जिसको 17 ब्रेकर्स इसमें आते हैं। इसमें हमने बड़ा वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट दिया है जिसमें हमें किलोवाट पर आवर के हिसाब से भी जो चल रहा होता है लोड वो हमें शो होता है। इसमें ACSPD है, AC फ्यूज़ हैं, वापडा इनपुट है, इन्वर्टर आउटपुट है, बैटरी ब्रेकर है, सोलर 2 स्टिंग हैं तो 2 ब्रेकर्स हैं। ये सारे हमारा DB बॉक्स है। इसके साथ आप 2 सिलेक्टर्स देख रहे हैं, ये हैवी लोड के लिए सिलेक्टर डला हुआ है। AC वगैरह अगर चलाना चाहें सिस्टम पे तो इससे चलेगा, और ये रेगुलर है कि अगर कोई मसला आ जाता है सिस्टम के अंदर तो आप बाईपास करना चाहें तो इसको 1 पे रख सकते हैं। तो इस वक्त सारे घर का लोड बशमोल AC, 2 AC चल रहे हैं, एक रेगुलर 1.5 टन का AC है और एक टन का DC इन्वर्टर AC है। साथ में इस्त्री भी ऑन की हुई हमने, और घर के रेगुलर 2 फ्रिज, लाइटें, पंखे, ये सारी चीज़ें इस पर ऑन है। तो अब हम आपको चेक कराते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है हमें इस वक्त और क्या जनरेशन आ रही है, और पैनल्स का भी हम आपको ऊपर चल के व्यू देते हैं और उसके हिसाब से भी बताते हैं। तो बैटरीज की अगर हम बात करें तो इस साल के हमारा सबसे कामयाब जो बैटरी का मॉड्यूल है वो यही AGS है, और अप्रॉक्सीमेटली हमने अपने तमाम प्रोजेक्ट्स में यही लगाई हैं क्योंकि ये 11 प्लेट में आती है और टॉल बैटरी है, ट्यूबलर नहीं है, लेकिन इसका बैकअप जो है वो रेगुलर बैटरी से थोड़ा सा ज़्यादा है और अच्छा है, इम्प्रूव्ड है। डक पट्टी हमने यूज़ की है ग्रे वाली, और फिनिशिंग से अपना काम करने की कोशिश की है जो कि एक हमारा वे है काम करने का। सो फ्रेंड्स, अभी हम रिजल्ट चेक कर रहे हैं। हमारी जनरेशन जो है वो 4.71 किलोवाट इस वक्त हमें जनरेट हो रहे हैं और तकरीबन इतना ही हमारा आउटपुट लोड है। अब हम चेक करते हैं कि हमें पर स्ट्रिंग क्या आ रहा है। तकरीबन 10.3 एम्पेयर जो है वो हमें पर स्ट्रिंग जो है वो रिसीव हो रहे हैं। और 4711 वॉट जो है वो हमें रिसीव हो रहे हैं टोटल। ये टोटल हमारी जनरेशन कैपेसिटी है इस वक्त। जो चीज़ हमारे सामने आई वो ये था कि इस घर का पूरा लोड जो है वो 5 किलोवाट के अंदर है, जिसमें AC, मोटर, इस्त्री, हर चीज़ चला ली हमने, इसको ओवरलोड करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाए। लेकिन हमारी टोटल जनरेशन जो है वो 4.76 किलोवाट के अराउंड है। तो 4.5 किलोवाट के अराउंड जो है वो हमारी इस वक्त टोटल जनरेशन है 4.76। इस प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग जो है वो सारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, तो आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप ये प्रोजेक्ट इस तरह का डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि आप किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा जो लोड है वो रेगुलराइज कर देते हैं। मोटर शोर कर रही थी, खाली चल रही थी। अब हम आप देखें नीचे इसका हमने स्टैंड है वो बैटरीज का बना के लकड़ी का तख्ता रख के ऊपर बैटरीज रखी हैं। 4 बैटरीज इसमें हम लेटर ऑन ऐड भी करेंगे इंशाल्लाह बैकअप बढ़ाने के लिए। तो ये एक ओवरऑल परफॉर्मेंस थी। अब हम आपको पैनल्स दिखाते हैं, बताते हैं कौन से पैनल इसमें यूज़ किए हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारे पैनल्स का व्यू है। राइजन BTA के ये पैनल्स हैं, डबल ग्लास बायफेशियल, और ये जो पैनल हैं ये इस वक्त 500 वाट के हैं। पूरे 500 वाट के बायफेशियल पैनल हैं। हम आपको स्टिकर दिखाते हैं। अगर आप टेक्निकल डिस्क्रिप्शन देखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके उल्टा करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कैमरा उल्टा पकड़ा हुआ था। तो मेरा लिए नीचे से व्यू है इन सारे पैनल्स का। बेसिकली हमने यहाँ पे 14 पैनल्स लगाए थे, लेकिन आखिरी 2 पैनल्स पे शेड आने की वजह से जो है हमने फिर ये 2 पैनल्स रिमूव करने का फ़ैसला किया है, और अभी 12 पैनल्स पर आपने ये सारा लोड जो है नीचे चल रहा था वो आपने देख लिया है कि 12 पैनल्स हमें क्या जनरेशन इस वक्त दे रहे हैं।
तो ये मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है, अगर दिखाई दे सके आपको पैनल्स, तो ये लास्ट वाले पैनल्स पर देखें अभी भी शेडो होगा, इन दोनों को हम रिमूव कर रहे हैं। तो ये फिर 12 पैनल्स हमारे इस तरफ रह जाएंगे, ये जो सारे प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेंगे। तो आई होप कि आपको एक पूरा ओवरलुक मिल गया इस प्रोजेक्ट का। प्राइसिंग के लिए और डिटेलिंग के लिए डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम।